बन जाऊं, तो बड़ी जबरदस्त बात है, किसी को भी वो रोल मॉडल बना सकता है। तो उससे हमने पूछा कि इन दोनों ऑप्शंस के अलावा तीसरा ऑप्शन कौन है। उसने तीसरा ऑप्शन बताया, अशरफ चौधरी जैसा ट्रेनर बनना चाहता हूं, क्योंकि वो जो स्टोरी सुना रहे होते हैं वो स्टूडेंट क्लास की, सेल्स के लोगों की और सेल्स वाले लोगों के मसले मसाइल क्या है। सेल्स की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसने क्लास बता दी कि वो बॉटम से लेकर मिडिल लेवल तक लोगों को अपनी स्पीचेस और स्टोरी सुनाना चाहता है। तो ये उसने बड़ा जबरदस्त ऑप्शंस क्रिएट किए। ये ऑप्शंस खुद नहीं बताते वो लोग, हम डिस्कशन करते तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको ऑप्शन बहुत पसंद आ रहे होंगे। सो जब इस तरह के ऑप्शन डेवलप होते हैं तो हमारी कॉन्वर्सेशन ज्यादा फोकस हो रही होती है। जब कॉन्वर्सेशन फोकस होती है तो हम अपने गोल के बहुत करीब पहुंच रहे होते हैं। सही है। नाउ ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज व्हाट इफ टाइम पावर एंड मनी। आपको वक्त भी दिया जाए और ये भी सोचो कि अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम ये सब चीजें कैसे मैनेज करोगे। सबसे पहले उसने अपने 24 घंटे का प्लान शेयर किया, और 24 घंटे का जब प्लान शेयर किया तो उसमें तकरीबन 8 घंटे टाइम वेस्टर एक्टिविटीज थी। तो टाइम वेस्टर एक्टिविटीज कौन सी थी? एक्सेसिव आउटिंग, एक्सेसिव ब्रेक्स, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज। तो हम उसको कवर करके उस टाइम वेस्टर्स में हम प्रोडक्टिविटी ऐड करते हैं। उसने कहा कि मैं सुबह में जब नींद से उठता हूँ तो 1 घंटा फेसबुक में लग जाता है, दोपहर में 1 घंटा फेसबुक में लगता है, रात को सोने से पहले 2 घंटे फेसबुक में लगते हैं, 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तो उन्हीं 4 घंटों को हम एलिमिनेट नहीं करते, ऐसा नहीं कहते कि सोशल मीडिया का यूजेज बंद कर दो, बल्कि तुम उन 4 घंटों में एटलीस्ट 2 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स भी बना सकते हो। तो हमने डिस्कस किया उन 4 घंटों में 2 घंटे चलो मैं टाइम अभी वेस्ट करूँ, क्योंकि 4 घंटे एक झटके में कन्वर्ट नहीं हो सकते, आहिस्ता आहिस्ता उनको मैं मॉड्यूलेट करना पड़ता है। 2 घंटे मैंने कहा तुम ऐसा कंटेंट सुनो जो तुम्हें इंस्पायर करें कि आजकल मार्केट में किस तरह का कंटेंट चल रहा होता है, किस तरह की स्टोरी सुनी जाती हैं, क्या पुराने दौर की स्टोरीज हैं या मॉडर्न स्टोरी सुनी जाती हैं। तो नंबर वन उसने अपना ये बता दिया कि मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करूंगा। नंबर टू द पावर। पावर मीन्स योर इन्फ्लुएंस। आपका इन्फ्लुएंस कैसे जनरेट होगा? आपका इन्फ्लुएंस इस तरीके से जनरेट होगा कि किस तरह के लोगों के आप एग्जांपल्स देते हैं और किस ऑडियंस को आप एग्जांपल देते हैं। 17 साल का बच्चा है, आप उसको बूढ़े बाबा का या बादशाह का, वजीर का एग्जांपल देंगे, शायद वो उसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आप उसे कार्टूनिस्ट एग्जांपल्स देंगे, आप उसे छोटे बच्चों का एग्जांपल देंगे, आप उसे उसी एज ब्रैकेट वाला एग्जांपल देंगे ताकि वो स्टोरीज को कनेक्ट कर पाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी ऑडियंस आपसे साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर आपकी ऑडियंस, आप कहते हैं कि मेरी ऑडियंस 24 से 40 साल की है, नाउ यू कैन गिव दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स। तो इसने कहा कि ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था, तो यही तो पता करने के लिए तुम मेरे पास कोचिंग करने के लिए आए हो। सो अब उसको अपनी ऑडियंस साइज का भी पता चल गया, नाउ ही नोज द इन्फ्लुएंस, किस ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है। तो ही प्रॉमिस मी टू इन्फ्लुएंस द पीपल, जिन लोगों की उम्र 24 से ज्यादा है मैं उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, क्योंकि नीचे के लोगों को इन्फ्लुएंस करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसका वो माइंडसेट नहीं था। नाउ दैट अनदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एडिशन इन दैट क्वेश्चन इज द मनी। द बिगेस्ट इश्यू इज मनी, पैसा। तो मैंने उसे ये कहा कि भाई तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुमने मोबाइल से वीडियो डाल दी तो वो क्वालिटी तो नहीं आएगी, तुम्हें DSLR खरीदना पड़ेगा या तुम कोई एक अच्छा सा मीडियम खरीद लो, एक अच्छा सा तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर हो जिससे तुम लोगों को मैसेज कर सको, क्योंकि मोबाइल से वो क्वालिटी जनरेट नहीं होती। लेकिन बाद में ये पता चला इसके पास फाइनेंसिस का बहुत इशू है, तो हमने डिसाइड किया फर्स्ट 6 months 7 months आप वीडियोज भी बनाते रहो, अपना कॉन्टेंट भी डेवलप करते रहो, साथ साथ फाइनेंशियल भी मैनेज करो, छोटी मोटी नौकरी करो, छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करो ताकि तुम अपनी क्वालिटी वीडियोस बना सको। तो ये ऑप्शन जब जनरेट हुआ ही वॉज वेरी हैप्पी टू अप्लाई। वो सारे ऑप्शंस लिखता है, वो सारे ऑप्शंस में उनसे डिस्कस करता है, फिर हम फॉलोअप रखते हैं, हाँ भाई महीने के बाद क्या होगा, 15 दिन के बाद क्या होगा। सो नाउ वी आर एट द पोजिशन कि अपने वो टाइम वेस्टर एक्टिविटी को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करेगा, नंबर टू अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करेगा, उसकी उम्र 24 से ज़्यादा होगी, 24 से ऊपर वाले लोग होंगे, और जो पैसा है अगर फाइनेंशियल उसके इश्यूज हैं तो वो फिलहाल मोबाइल से बना सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको बहुत जल्द DSLR पे और क्वालिटी वीडियोस पे आना पड़ेगा और पेड सॉफ्टवेयर पे आना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो नीचे जो आइटम्स होते हैं उसे आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु माइट बी एबल टू हेल्प यू। अब ये ढूंढो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैमिली से, यो एल्डर ब्रदर, भाई नहीं है तो यो आपका वालिद साहब,
आपकी माँ, आपके आपके ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, फिर आप डीप रिलेशनशिप में चले जाते हो, जो आपके अंकल्स हैं, जो आपके मामू हैं, खाला, इनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। जब यहाँ हेल्प आपको लगता है कि थोड़ी बहुत नहीं हुई, नाउ द सेकंड डोर यू कैन ओपन फॉर द फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स हैं जिनके साथ आप काम करते हो। तो आप इस स्टेज पे लोन लेने से या उधार मांगने से बिल्कुल भी ना कतराएं, क्योंकि ये आज आपकी डेवलपिंग स्टेज है। लेकिन उधार मांगने से पहले अपनी 120% लगा दें कि पर्सनल फाइनेंस और सेल्फ फाइनेंस कैसे जनरेट करें। जब वो जनरेट नहीं हो रही तो इनिशियल डेज में यू कैन बोरो द मनी एज वेल। सो ऑप्शन तो आपके जबरदस्त क्लियर हो गया। सो उसके बाद आपकी और कौन मदद कर सकता है? अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। जो वीडियो आप बनाएंगे उनको शेयर करें, उनको कहेंगे जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मेरा कंटेंट शेयर करें, ये भी एक हेल्प होगी। उसके बाद जब आप घर वालों के साथ मिलते हैं, उनको सबसे पहले अपनी वीडियोस भेजें, उनको कहें कि मुझे रिव्यूज़ दें, मुझे फीडबैक दें, मैं किस तरह की बात करता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरी आवाज़ क्या है, मेरा कंटेंट क्या है, तुम्हें इंस्पिरेशन हुई कि नहीं हुई, उनसे आप बार बार पूछते रहें जब आप वीडियो बना रहे हैं, तो आपको सबसे बेहतरीन फीडबैक आपके रिश्तेदार देंगे कि आपकी वीडियो क्या मीनिंगलेस है। ठीक है, ये भी आपकी हेल्प हो गई। उसके बाद आप किससे हेल्प ले सकते हैं? आप अपने आप से हेल्प ले सकते हैं। आप वीडियो चलाएं, वीडियो सुने, वीडियो में बार बार देखें क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन, आपके कपड़े, आपका चेहरा, आपके बाल, आपके बोलने का तरीका, एग्जाम्पल देने का तरीका, खुद कनेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो? जब वीडियो सुनते हो खुद तो बोर नहीं हो रहे, अगर खुद ही बोर हो रहे तो ऑडियंस कैसे सुनेगी? यू नीड टू हैव इंस्पिरेशन ऑन यू। तुम्हें अपने आप को भी तो इंस्पायर करना है। अगर तुम खुद इंस्पायर होगे अपनी वीडियो सुन के, मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाएगी, पूरी ऑडियंस इंस्पायर होगी तुम्हारी वीडियो सुनने के बाद। तो इस तरह की हेल्प आप ले सकते हैं। सो नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू अनदर सजेशन फ्रॉम मी? आपको मुझसे और कोई सजेशन चाहिए? तो उसने कहा सजेशन तो बहुत चाहिए, क्योंकि मेरे नॉर्मली सेशंस होते हैं 12 सेशंस, 45 मिनट का एक सेशन होता है। तो मैंने उसे कहा कि मजीद हम मैं तुम्हें सजेशन ये दे सकता हूं कि फाइंड आउट ऑप्शंस ए, जितने तुम वो ढूंढ सकते हो मेरे साथ डिस्कस करो, क्योंकि मैं तुम्हारी अवेलेबिलिटी और तुम्हारा पोटेंशियल देखना चाहता हूं। अगर मैंने अपनी तरफ से प्रेशराइज किया या आप पे थोपा तो वो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर गिव्स यू स्ट्रेस। मैं चाहता हूं तुम ऑप्शंस लेकर आओ, उन ऑप्शन की प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं P1, P2, P3, ताकि हम और आप एक पेज पे आ जाएं और तुम्हें मैं एम्पावरमेंट दे सकूं कि वो चीजें तुम खुद से स्टार्ट करना, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। ओके, सो नाउ वी मूव अनदर क्वेश्चन, विच ऑप्शंस डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है? सो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन थे, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको YouTube की ऑडियंस को लेना है, Facebook की ऑडियंस को लेना है, Snapchat की ऑडियंस को लेना है, आपको Instagram की ऑडियंस को लेना है, यू हैव टू डिसाइड। YouTube पे हर एज का बंदा आपको मिलेगा, Snapchat पे आपको लड़के लड़कियां, यंग ऑडियंस आपको ज्यादा मिलेगी, Instagram पे लड़के लड़कियां, यंग ऑडियंस आपको ज्यादा मिलेगी, और सेलिब्रिटी लेवल आपको मिल रहा होगा। अगर तुम्हें ट्विटर का जो ना वीलॉगर बनना है, वीडियो मेकर बनना है, तो तुम्हें वहां सेलिब्रिटीज और ऑल टाइप ऑफ पीपल, लेकिन ऑल मैच्योर टाइप ऑफ पीपल, द सेलिब्रिटीज, द पॉलिटिशियंस, द क्रिकेटर्स, स्टार्स, बिग चंक आपको वहां मिलेगा। लेकिन आपके पास कंटेंट राइटअप का जो काम होगा वो बहुत ही प्रिसाइज और लिमिटेड रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जिस एज में वो था, उसकी एज खुद की 22 से 23 साल थी, तो ट्विटर उसके लिए एक सुटेबल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ट्विटर की ऑडियंस इज क्वाइट डिफरेंट एंड इलीट। फेसबुक पे आएगा तो बहुत सारा फेक लोग, फेक आईडीज आपको मिलेंगी, तो उसमें आप अपने आप को इतना प्रॉपर जज नहीं कर पाते, लेकिन वहां भी आपको ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस मिलेगी, बट यू कांट फिगर आउट विच इज योर ऑडियंस। लिंक्डइन की बात करते हैं, लिंक्डइन पे आप वीडियो शेयर करते हैं, लिंक्डइन पे आप वीडियो की बात कर रहे होते हैं, तो लिंक्डइन में तमाम के तमाम लोग प्रोफेशनल्स मिलेंगे। वहां पर आपको यूथ नहीं मिलेगी, आपको 17 साल 16 साल का बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। सो इट इज योर डिसीजन विच ऑप्शन यू चूज। लेकिन हमने शुरू में जो डिस्कशन की थी कि यूट्यूबर बनना है और फेसबुक पे, मींस यू वांट टू मिक्स द ऑडियंस। आपकी यूथ भी आपकी ऑडियंस होगी, आपकी 24 साल और उससे ज्यादा जो लोग हैं वो भी आपकी ऑडियंस होगी। सो जब आप ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर देंगे और आप भी मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचेंगे, देन यू विल फिगर आउट कि अब मुझे किस तरह की ऑडियंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच। अब आपको ये पता होना चाहिए मुझे इससे क्या फायदा होगा और मेरी क्या कॉस्ट लगेगी।
इस वक्त पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई। मेरे ख्याल से जो मैंने एक जगह से पढ़ा था 45 मुल्कों में फेसबुक की मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गई है, अभी पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं हुई, 5-6 महीने में स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी आपके लिए एक अर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ट्विटर पे भी आपको, अगर आप कोई कंटेंट डेवलप करते हैं ट्विटर पे, आप चीज़ें डालते हैं, तो उस पर कमाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ट्विटर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से इतनी मोनेटाइजेशन आसान नहीं होती। स्नैपचैट पे, इंस्टा पे भी इतनी आसान नहीं। सबसे आसान मोनेटाइजेशन जो है जिसमें आप अर्न कर सकते हैं वो यूट्यूब है, उससे आपको होगा बेनिफिट। जो आप अपने टाइम, एनर्जी, कॉस्ट ऑफ द वीडियो और जो आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको पैसा भी मिलेगा। इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने आपको आसानी से बताया, बहुत एफर्ट लगती है। मुझे भी तकरीबन 3-3.5 साल लगे तब जाके चीज़ें क्लियर हुई। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कॉस्ट के साथ साथ पैसा भी कमाना है या सिर्फ आपको अभी इन्वेस्ट करना है और तमाम वीडियोस आपको पोस्ट करने हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट, आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, महीने में कितनी वीडियोस बनानी है, डेली कितनी वीडियोस देनी है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस हवाले से आपको खुद फैसला करना पड़ेगा कि कॉस्ट वर्सेज बेनिफिट कंपेरेटिव एनालिसिस आप करें। लेकिन अगर आप मेरी सजेशन मानते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि एटलीस्ट 2 ईयर्स डू नॉट थिंक अबाउट द बेनिफिट्स, invest your money, do not use the word cost but use the word investment on the YouTube. और YouTube से जब आपको लगे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आप Facebook पे आए, वहाँ पर अपनी ad boost करें और अपने content को boost करें ताकि आपकी जो audience size है वो ज़्यादा बढ़ जाए और इससे आपकी reach भी बढ़ जाए। So now we are moving to another question. Would you like to choose an option to act on? कौन सा option है जिसपे आप अभी से अभी अमल करना start कर देंगे? ये ऑप्शन नंबर 1, कैमरा कब खरीदेंगे? ऑप्शन नंबर 2, वीडियो कब स्टार्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर 3, पढ़ना कब शुरू करेंगे? ऑप्शन नंबर 4, अपना कंटेंट कैसे तैयार करेंगे? ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो मुझे अगर आपको जवाब देना हो तो ऑल 4 आर मैंडेटरी एसेंशियल, स्टार्ट राइट नाउ। गलती करें, रिपीट ना करें, डरे नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात से भी ना डरें कि मेरी वीडियो अगर लोगों ने पसंद नहीं की तो क्या होगा। आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े लेक्चरर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली नहीं, उनकी शुरू की वीडियो उठा के देखें वो क्या थे और आज क्या हैं। अगर आपने पहला कदम नहीं उठाया तो समझ लीजिए दूसरा कदम कभी नहीं उठेगा। अगर आज आपने पहला कदम उठाया, लाखों कदमों की मंजिल भी पहले कदम की होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको ऑप्शंस लेने के तरीके भी समझ आ गए होंगे, गोल मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, रियलिटी के 2 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, ऑप्शन एक ही पार्ट में आपको समझा दिया। नाउ द 4th पार्ट, दैट इज अ वे फॉरवर्ड एंड विल एक और टू एंड डिलीवर द लेक्चर ऑन द विल एंड वे फॉरवर्ड। जब आप ग्रो मॉडल आप पढ़ लें, ग्रो मॉडल मेरा सुन लें और समझ लें, और आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप अपने ईमेल एड्रेस मुझे दे सकते हैं, और मजीद मुझसे टाइम लेने के लिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आपसे, उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने पड़ोसियों का, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। बी इन आवर मिशन टू इंस्पायर द नेशन। थैंक यू वेरी मच।